नेपाल में बुधवार सुबह हुए विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि विमान के पायलट की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा नेपाल की राजधानी काठमांडू में टेक ऑफ के दौरान हुआ, जिसमें सौर्य एयरलाइंस के विमान में 19 लोग सवार थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद यह विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। हालांकि हादसे के कारणों की जांच तकनीकी द्वारा टीम कर रही है। नेपाल में पहले भी हो चुके हैं बड़े विमान हादसे। नेपाल में विमान हादसे की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जनवरी 2023 में यति एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ था, जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी। यह हादसा काठमांडू से 205 किमी दूर पोखरा में हुआ था। इसी तरह मई 2022 में भी नेपाल के पहाड़ी मस्तंग जिले में एक विमान क्रैश हुआ था, जिसमें 4 भारतीय समेत 22 लोगों की मौत हो गई थी। 2018 में काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यूएस बांग्ला एयरलाइन का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 49 लोगों की जान गई थी। फरवरी 2016 में भी नेपाल के कालीकोट जिले में 11 लोगों को लेकर जा रहा विमान क्रैश हुआ था। भौगोलिक स्थिति, नेपाल का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ के हवाई अड्डे भी पहाड़ी इलाकों में स्थित है। यह भौगोलिक स्थिति लैंडिंग और टेक ऑफ के समय चुनौतीपूर्ण बन जाती है। तकनीकी अवसंरचना की कमी, नेपाल के कई हवाई अड्डों पर अद्यतन तकनीक का अभाव है। लैंडिंग सिस्टम में कमियां और पुराने उपकरण हादसों की संभावनाएं बढ़ाते हैं। सुरक्षा नियमों का अभाव, नेपाल में सख्त सुरक्षा संबंधी नियम नहीं है। यहां की हवाई यात्रा की सुरक्षा मानकों को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। मौसम संबंधी चुनौतियां, नेपाल का मौसम अक्सर अनियमित होता है, जो हवाई यात्रा को और भी जोखिमपूर्ण बना देता है। नेपाल में विमान हादसों की आवृत्ति और गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति, तकनीकी अवसंरचना की कमी और सुरक्षा नियमों की अनदेखी मुख्य कारण है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नेपाल को अपने हवाई अड्डों की तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।